अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सब अच्छे हैं। तो आइए, मैं आप लोग को छोले भटूरे के मैं बताती हूँ आप लोग को। यहाँ पर छोले बना रहा है वो भटूरे के साथ, तो मैं बड़ी, चलो आप लोग को दिखाती हूँ करके। तो ये यहाँ का जोधपुर की एक बड़ी दुकान है, जहाँ पर सब आपको मिल जाएगा स्नैक्स के टाइप के, समोसे, बटाटे वड़े, और सब फ्रेश और एकदम अच्छा बनाता है ये। तो मैं बोली चलो आप लोग को छोले भटूरे का भी दिखा लेती हूँ। तो ये भटूरे बन रहे हैं, छोले रेडी रहता है। और ये है दही बड़े, जो बहुत टेस्टी रहते हैं यहाँ के, तो आप लोग ट्राई करना कभी आए तो। और मैं बोली चलो आप लोग को पूरा व्यू दिखा लेती हूँ जो जोधपुर का। तो यहाँ का फेमस है, यहाँ पर जोधपुर बोलेंगे तो यहाँ के समोसे बहुत टेस्टी रहते हैं। मतलब तो सभी चीज़ टेस्टी रहती है, फ्रेश रहता है एकदम। आ गए हम लोग गुलाब जामुन के ऊपर, काले गुलाब जामुन और ब्राउन गुलाब जामुन, और ये सब पानी पूरी के पैकेट रखे हुए हैं। मतलब तो फुल सामान से भरा हुआ रहता है, रस मलाई और फिर वो क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। वैराइटीज़ बहुत है यहाँ पर। अगर आप लोग को मिठाई की अगर दुकान में जाना है तो यहाँ पर ही आके आप लोग लेना। सब टाइप के लड्डू मिलेंगे, बूंदी, फिर और बहुत बहुत अलग अलग वैरायटी के, मैसूर पाक है, तो सबके मुंह में पानी आता है, मुझे पता है ये सब देख के। तो देखो यहाँ पर पूरा स्टॉक फुल लोडेड है पूरा सामान से, और फ्रेश मिलता है यहाँ पर। तो मैं बोली चलो आप लोग को भी दिखा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो कचौड़ी है, खमन है, ढोकला है, आलू वड़ी है, तो सब एकदम फ्रेश मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। हम लोग तो यहीं से लेते, अगर कहीं पर भी जाना होता तो खाने पीने के लिए, तो यहीं पर खाते आके। तो मैं बोली चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। फिर अब यहाँ से जाना है मुझे आपा के घर पे, क्योंकि भाई आए हैं अजमेर से। तो मैं बोली चलो जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तो ज़रा वीडियो बना लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो? देखो आ गया मेरा भाई अजमेर से, बहुत बहुत मुबारक। 4 दिन नहीं था तो खाली खाली लग रहा था, तो अभी आया है तो वही बोल रहा है कि तुम लोग को भी लेके जाता हूँ। मैं बोली हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, बाद में तरफ एक तरफ जाके आएंगे, अभी ज़रा माहौल ऐसा नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। तो लेकिन अच्छा हो गया भाई जाके आ गया, और आने में बहुत सामान ही बच्चे लोग के लिए लेकर आया है। तो मैं बोली चलो आप लोग को एक वीडियो डाल देती हूँ। तो वही हम लोग की बातचीत चल रही है, अजमेर की सब बातें बता रहा था भाई कि सब ऐसा सब वहाँ पर पानी, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही बोलते, यहाँ पर तो बहुत बारिश थी। अब आ गए समरीन के बच्चे, मतलब अनम अयान आ गए, इन लोग के लिए भाई ने कुछ लाया है तो उन लोग को भी दे रहा है। तो मैं भी चलो दिखाती हूँ। तो आ गए बच्चे, ये इसके लिए वहाँ का राजस्थानी ड्रेस है अनम के लिए, और अयान के लिए अरबी ड्रेस है, फुल अरबी टाइप, अरबी लुक में। तो बच्चे भी खुश हो गए, अभी क्या उन लोग मैंगलोर जाने वाले हैं ना, तो ये सब वहाँ पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं बोली चलो वीडियो बना देती हूँ। तो भाई ने इन लोग के लिए लेकर आया, देखो कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये समरीन के लिए लाया है ड्रेस, तो समरीन ले रही है, समरीन बोली मेरे को वीडियो में नहीं आना है, तो इसके लिए देखो हाथ मिला रही है मामा से तो ये आनम भी आके हाथ मिलाई, और अच्छा लगता है गिफ्ट भी एक दूसरे को देते हैं। तो बच्चे रेडी होके आ गए यहाँ पे, तो बोले चलो वीडियो बनाते हैं, इन लोग भाई भी बना रहा है वीडियो, तो अच्छे लग रहे माशाल्लाह बच्चे। तो अभी यहाँ पर मुबारक हो रही है, माशाल्लाह मुबारक मुबारक करके बोला जा रहा है तो अच्छा लगता है कि छोटा छोटा सा गेट टुगेदर, ऐसी यादें रहती है बाद में आगे चल के। अभी हमारे भाईजान तो नहीं है घर पे, तो लेकिन उनकी यादें बहुत है हमारे साथ में। तो हम लोग बोले चलो थोड़ा ऐसी पहले की तरह सब लोग हंसी मजाक करते हैं, बच्चे लोग चले जाएंगे तो फिर घर सुना सुना हो जाएगा। तो भाई वही सब बता रहा था, देखो इन लोग का कैट वॉक क्या बोलते पता नहीं, वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं इन लोग ऐसे ड्रेस पहन के, मॉडलिंग कर रहे, मॉडलिंग टाटा कर रहे हैं उन लोग को शर्म शर्म बहुत आ रही थी, बच्चे लोग हैं ना। तो अभी मिल के अभी लोग चले जाएंगे, वही हम लोग बैठ के बातचीत ही सब कर रहे थे, भाईजान के सब टॉपिक चलते रहते हैं ना। मैंने आयान के लिए बॉल लेकर आई, तो मैंने उसको बॉल दी, बहुत खुश हो गया, थैंक यू बोल रहा था।
ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अच्छा लगता है ना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो अभी वो बैठ के फारूक भाई भी उन लोग से ज़रा हंसी मजाक कर रहा है, हबीबुल्ला हबीबुल्ला पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहा था। तो देखो कैसा ऐसा बैठ बोला, ऐसा बैठ, तो ऐसा बैठ रहा था। तो वॉइस थी इसके अंदर एक्चुअली, लेकिन वो क्या बाहर की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किसी ने करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग अभी पानी पूरी की, मतलब पानी पूरी खाएंगे, समरीन ने रखी है पानी पूरी, सब उसने ही लेकर आई, उसी ने बनाई, बोली मामा के लिए, मामा भी अजमेर से आया है ना, तो मामा को आज पानी पूरी खिलाती हूँ। तो हम लोग भी बैठे थे, फिर हम लोग भी सब खाए, फिर खाना भी खाए, पुलाव बनाई थी समरीन ने, वेजिटेबल पुलाव। ये भाई ने वहाँ से मिठाई लेकर आया था, तो हम लोग वही मिठाई पापड़ वापड़ सब रखा है। ये मेरा फ़ोटो हो रहा है पानी पूरी का, तो भाई पानी पूरी खा रहा है तो वही बोल रहा है कि अच्छा बनाई, बहुत अच्छा बनाई, अच्छा लग रहा था। भाईजान भी रहते तो खुश हो जाते थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। तो ये वेजिटेबल पुलाव है जो समरीन ने बनाई है, तो अभी भाई खा रहा है। तो यहाँ पर आयान सबको बोल रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो उन्नी आंटी के चैनल को। अफ़ान आ गया है, अफ़ान भी अभी बैठेगा, पानी पूरी सब हम लोग खाएंगे। आयान खेल रहा है बॉल से। तो कैसी लगी वीडियो, सब लोग अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। आयान बोल रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मुन्नी आंटी को, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। तो मैं बोली चलो ठीक है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, तो वही बोला लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो टाटा, और आप लोग दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़ बाय।